हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइनीज जो अभी कम्युनिस्ट सिस्टम वहां चल रहा है, वहां पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक कॉमिनतांग पार्टी, नाम लिख लीजिएगा, कॉमिनतांग पार्टी ने चाइना में, आपको पहले वहां क्या था, एक मोनार्की सिस्टम वहां पे था, राजतंत्र का सिस्टम हुआ करता था। तो कॉमिनतांग पार्टी ने चाइनीज मोनार्किज्म को खत्म किया, कॉमिनतांग पार्टी ने वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन उसी दौर में 1921 में, कौन से सन में सर, 1921 में, माओ त्से तुंग या माओ ज़ेडोंग, या तो हम शॉर्ट में जिसे माओ कहते हैं, उसने वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? 1921 में। किसने की? माओ त्से तुंग, माओ ज़ेडोंग या माओ ने। तो ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसे कुंग चांग तांग कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कुंग चांग तांग। रिपीट कर लीजिए, कुंग चांग तांग। ये कुंग चांग तांग क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1921 में माओ त्से तुंग ने स्टैब्लिश की थी। और कोमिनतांग पार्टी, जो जिसने कभी चीन में राजतंत्र को खत्म किया था, मनार्किज्म को खत्म किया था, उसकी विचारधारा के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। 1911 के अंदर की बात है। माओ ज़ेडोंग वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कॉमिनतांग पार्टी। उस टाइम की जो कॉमिनतांग पार्टी थी, उसकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो सेना के अंदर भी रहा करते थे माओ। और 1921 में इन्होंने अपनी पार्टी स्टैब्लिश कर दी। तो पार्टी स्टैब्लिश करी, कम्युनिस्ट का तो फाइनल ऑब्जेक्ट ही है डेमोक्रेसी को खत्म करना, और ये लोकतांत्रिक सरकार थी जो कि कॉमिनतांग पार्टी चला रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, वहां हुआ क्या कि कॉमिनतांग पार्टी ने बहुत, मतलब एक तरीके से पूरा मोर्चा खोल दिया कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए। तो कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए पूरी, क्योंकि राज्य के पास तो सेना भी होती है, सरकार भी होती है, तो उसी सेना का पूरा इस्तेमाल किया, उसी पूरी मिलिट्री का यूज किया। मिलिट्री का यूज करने का कारण हुआ क्या कि माओ के साथ में जो उनके कम्युनिस्ट साथी थे बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने हुआ ये कि 1934 में वो बेसिकली सेना से बचने के लिए नदन साइड के पहाड़ों की तरफ भाग गए। उत्तर की तरफ जो पहाड़ हैं चाइनीज इलाके में, वहां पे वो चले गए। इस घटना को, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में एक तरह से माइग्रेशन, ये शिफ्टिंग थी, इसे कम्युनिस्ट लोग, कब हुआ था, 1934 में, इसे क्या कहा जाता है, इसे लॉन्ग मार्च की संज्ञा देते हैं, लॉन्ग मार्च। तो अगर ये सवाल आप लोगों के सामने आ जाए, कितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये सवाल अगर आ जाए कि लॉन्ग मार्च चाइनीज पॉलिटिक्स में किस कंसर्न में यूज किया जाता है, तो लॉन्ग मार्च वर्ड का यूज किया जाता है उस घटना के लिए कि जब ये कॉमिनतांग पार्टी, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी चाइना में थी, उसके सैनिकों से बचने के लिए साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट लोगों ने जब अपनी जगह शिफ्ट की, उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया लॉन्ग मार्च। लेकिन वहीं पे जो कॉमिनतांग पार्टी के हेड थे, या तो कह लीजिए चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था चांग काई शेक। चांग काई शेक ने क्या किया, चांग काई शेक ने उसी घटना को डेथ मार्च का नाम दिया। क्या नाम दिया? डेथ मार्च, जिसे मृत्यु प्रस्थान भी कहा। डेथ मार्च या मृत्यु प्रस्थान क्यों? क्योंकि चांग काई शेक ने अपनी सेना की सहायता से लगभग 60,000 कम्युनिस्टियों को, मतलब, मौत के घाट उतार दिया था। तो इस बड़ी घटना को, जहां पे जो चाइनीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने क्या नाम दिया था, उसने कहा था डेथ मार्च, और वहीं पे कम्युनिस्ट इसे लॉन्ग मार्च कहा करते थे, जो कि 1934 में हुआ था। ये चीज आप लोगों को पता है। 1949 में तो माओ ने रिवॉल्यूशन करके, चाइनीज वहां रिवॉल्यूशन होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चांग काई शेक वहां से रवाना हो जाते हैं, और एक माओ के नेतृत्व में एक, जिसे साम्यवादी सरकार या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्टैब्लिश होती है। तो ये सारी की सारी बातें नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पीजीटी या किसी भी सेक्शन में आपको मास्टर करना है, तो आप मानस एकेडमी पे हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक, और हमारी वेबसाइट www.manas.academy का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड, तो ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं, 8209027250, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।